के रिजर्वेशन की ओढ़नी ओढ़ने वाले आज रिजर्वेशन समाप्त करने के नाम पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय माहौल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गर्माया हुआ है, मामला जो चल रहा है इस समय शिक्षकों का, जो अनुदेशक शिक्षक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी बातें कही जा रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ गाड़ी में हैं पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल। हम लोग बात करते हैं और अभी जो दूसरा मुद्दा देश में काफ़ी बवाल काट रहा है वो है रिजर्वेशन का मुद्दा। तो रिजर्वेशन क्या है, क्या इसकी खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, रिजर्वेशन को लागू करने किस तरीके से सही है और कितना गलत है, इन सारे पहलुओं पर अभी हम लोग पूर्वांचल गांधी से बात करते हैं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर सर जी क्या कहेंगे? देखिए, रिजर्वेशन की ओढ़नी ओढ़ने वाले आज रिजर्वेशन समाप्त करने के नाम पर भारत का इतना नुकसान किया है लोगों ने, जिसका कैलकुलेशन कर पाना आज की तिथि में असंभव है। बहुत डैमेज किया है इन्होंने रिजर्वेशन। और यह रिजर्वेशन कहाँ से आया है, रिजर्वेशन के पीछे उस महान व्यक्ति की क्या क्या विचार था मूल रूप से, और रिजर्वेशन लागू करने के पीछे अंबेडकर क्या चाहते थे। देखिए, रिजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। संरक्षण है यह, आरक्षण, संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को जो पानी में डूब रहा है उसको किसी को बचाना हो, ना केवल अंबेडकर वरन किसी को बचाना हो, तो कैसे बचाएंगे उसको? उसको कोई सहारा देंगे, कोई संरक्षण देंगे, उसको लाठी फेंकेंगे, डंडा फेंकेंगे, रस्सी डालेंगे, कुछ ना कुछ करके उसको किनारे निकालेंगे। ये भी तरीका नहीं है कि जितने लोग किनारे खड़े हैं उनको ढकेल के किनारे निकालिए। ये अंबेडकर ने नहीं किया। अंबेडकर ने उन दलित, उन पिछड़े, दमित, जो सदियों से दमित थे और जो समाज में दिखाई दे रहा था, उनको बाहर निकालने का उन्होंने एक तरीका तलाश किया कि कैसे उनको उस दमन से निकाला जाए। और तब उन्होंने यह रिजर्वेशन शब्दावली दिया, उसमें दमित जातियों को, दलित जातियों को ले आया। बाद में उसमें जातियाँ बढ़ती गईं और वह महान आत्मा थे। कभी उन्होंने, उनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं था कि हम किसी को पीछे करके आगे करें पिछड़ों को। नो सर, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। ये जो अग्रणी जातियाँ हैं, सवर्ण जातियाँ हैं, वो अक्सर दोषारोपण करती हैं कि अंबेडकर ने बहुत भेदभाव किया है, आरक्षण लागू होने की वजह से उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये द्वेष है। और एक अंबेडकर जैसे महान आत्मा, अंबेडकर बिल्कुल पवित्र आत्मा थे जब वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एक उस समाज के लिए, जो 80% समाज, मुट्ठी भर लोग, जो 10% मैं कहूँ, जो अतीत में 90% लोगों को दलित दमित करके रखे हुए थे। और अंबेडकर उस क्लास से आते थे जिनको न जाने कितनी अपात्रताएं उनके ऊपर लादी गई थी। पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, इस कक्षा में नहीं पढ़ सकते थे। क्या आप सोच रहे हैं कि ये आज कोई व्यक्ति उनकी जगह पर रह के सोचे कि उसके 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 साथ ही बात होने लगे तो उसको कैसा महसूस होगा, वो क्या महसूस करेगा? अंबेडकर वह पवित्र आत्मा थे, वह शख्सियत थे, और उन्होंने वह संविधान गढ़ा। दुनिया का ऐसा दस्तावेज है, विश्व का कोई ऐसा दस्तावेज उस मुकाबले नहीं है जो अंबेडकर ने गढ़ा है। उसकी प्रत्येक पंक्तियां मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता की हिफाजत के लिए, जीवन की हिफाजत के लिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, सबके लिए, आज़ादी के लिए और समानता के लिए लिखी गई हैं। किसी तरह का उन्होंने भेद का विचार ही नहीं छोड़ा और उस संहिता में लिपिबद्ध किया। चाहे वो कोई बड़ी कौम हो, चाहे वो छोटी जाति हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, जाति, रिलीज, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, सेक्स, इसकी, और पांचवा एक और था जिसके आधार पर उन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव न करने का कानून बनाया। अंबेडकर ने जो कानून गढ़ा था और जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया, वह रिजर्वेशन इतना परफेक्ट था कि वो अपने आप सिद्ध हुआ कि 1988 और 90 के बीच जब ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल आयोग लगा हुआ था, तब इस देश की अगड़ी जातियां और नफरती लोगों ने न जाने कितनी आगजनी की और उस रिजर्वेशन को क्या क्या कह के जलाया। कानून की, संविधान की पुस्तक जलाई गई उस समय। और आज 30 बरस बाद
ठीक 30 वर्ष बाद उसी आरक्षण उसी रिजर्वेशन के सहारे जिन लोगों ने संविधान की संहिता फूंकी थी, जिन लोगों ने रिजर्वेशन के लिए न जाने कितनी भारत को फूंकी थी, कितने लोग उसमें मारे गए थे, मर गए थे, उनको उन लोगों ने वही रिजर्वेशन की ओढ़नी ओढ़ ली है और उसी के लिए परेशान थे। ठीक 30 साल बाद 2018-19 में वो लोग रिजर्वेशन के चोंगे में आ गए और रिजर्वेशन की ओढ़नी ओढ़ लेने के बाद आज कौन इडियट रिजर्वेशन की डिमांड करता है कि रिजर्वेशन ना हो? कोई इडियट हो सकता है जो कहेगा? और जो इतनी भी तो विचार इतना भी तो मूल्य चरित्र संभाल के रखो कि जो नमक खा रहे हो, जो नमक खा रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसमें लोहे से छेद करना चाहते हो, जिस रिजर्वेशन के बदौलत तुम्हारी शख्सियत तुम आगे बढ़ने की सीढ़ी पर चढ़ के कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए परेशान हो, उसी रिजर्वेशन में उसी रिजर्वेशन के पायदान पर चढ़कर आगे बढ़ने वाले सदियों से चलने वाली दलित जातियों के लिए कह रहे हो कि रिजर्वेशन नहीं चलना चाहिए? कितनी अमनुष्यता है, कितनी घृणित बात है यह। और रिजर्वेशन अब नहीं, अब तो रिजर्वेशन खत्म ही नहीं हो सकता। इसलिए नहीं खत्म हो सकता कि आपने रिजर्वेशन सवर्णों के लिए भी लगा दिया है, अगड़ी जातियों के लिए भी 10% रिजर्वेशन लग गया है। इसलिए रिजर्वेशन पर अब तो ये बात ना इंसाफी होगी करना। यानी कि जो अभी तक अगड़ी जातियां सवर्ण जातियां ये आरोप लगा रही थी कि उनका हक अधिकार छीना जा रहा रिजर्वेशन के बल पे, और उन्होंने खुद आज EWS के नाम पे रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से मक्कारी वाली बात हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा भी मूल्य चरित्र नहीं है। इस तरह की मूल्यहीन बात करना, इस तरीके की दो तरफा, आप कह तो रहा हूँ कि जिस थाली में तुम खा रहे हो उसमें छेद करने की, जिस हथियार से तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिस आलंबन से तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस रिजर्वेशन की सीढ़ी पर चढ़ के आगे बढ़ रहे हो, उस रिजर्वेशन के लिए दूसरे को कह रहे हो कि दूसरे का खत्म कर दिया जाए। तुम सोचो कि वो महान आत्मा कैसा था जब तुम्हारे लिए भी एक गुंजाइश छोड़ी थी कि एक दिन तुम्हारे लिए भी कानून रिजर्वेशन का बनेगा और तुम उस रिजर्वेशन से अपना आगे बढ़ोगे, और उस महान आत्मा को और उस पुस्तक को, संविधान की पुस्तक को, संहिता को, मित्रों दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो पूरे मनुष्यता की, मनुष्य जीवन की सारी मृत्यु से लेकर, पैदा से लेकर मृत्यु तक का सारे सारे जगहों पर उनके लिए जीवन की रक्षा, उनके लिए नौकरी का, कैसे सबको नौकरी बराबर रूप से मिले, उनके लिए चिकित्सा की शिक्षा, उनके लिए पढ़ाई का व्यवस्था, उन पर जुर्म न होने पाए, कोई समाज कोई वर्ग जुर्म न करने पाए, क्या गजब संहिता लिखी है। और उस महान व्यक्ति, उस महान संहिता का यह मुल्क, और आज नहीं सदियों जब तक चांद सूरज रहेंगे वो संहिता कभी ये रेलिवेंट नहीं हो सकती, उसकी समसामयिकता बराबर बनी रहेगी, इसलिए कि उसने तो केवल मनुष्यता की हिफाजत की बात लिखी है, उसने केवल समानता की बात लिखी है, उसने केवल स्वतंत्रता की बात लिखी है, और कुछ भी उसमें नहीं लिखा है। इसलिए मैं इन जो आज ये सवाल गलियारों से उठ रहा है, बेमतलब का फिजूल का सवाल है, ये गुमराह कर रहे हैं, और वो लोग कैसे रिजर्वेशन पर सवाल कर सकते, वो लोग कैसे रिजर्वेशन की रोटी पर सवाल कर सकते जिस रोटी से आज वो जीवित हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख रहे थे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी की बातें हो रही थी, ये वही पूर्वांचल गांधी हैं जो जब तक जैसी भी स्थिति सिचुएशन विपरीत होती है तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और इस चैनल के माध्यम से जो खबर की गई है इस पर आपकी क्या राय है, अपने लाइक्स कमेंट्स के जरिए हमें बताएं ताकि हम अपने वीडियो को और भी सारगर्भित और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।